हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ये जैकेट जिसको दो तरीके से वेयर कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये मेरी साड़ी की फैब्रिक ली है मैंने, और इसको मैंने 4 फोल्ड्स में ले डाउन कर लिया है, और लेंथ मैंने 18 इंचेस लिए हैं। इसको अब इस फोल्डेड साइड की तरफ से हम मेज़रमेंट शुरू करते हैं। शोल्डर मैंने 8 इंचेस लिए हैं, शोल्डर मैंने 8 इंचेस पे मार्क किया है। इसके बाद आर्म होल दिया है मैंने 6.5 इंचेस। और इस तरीके से शोल्डर से 1 इंच कम मार्क करके हम नीचे की तरफ लाइन खींच लेंगे और इसको इस तरीके से मिला लेंगे। अब 0.5 इंचेस नीचे, सॉरी 4 इंचेस नीचे की तरफ मार्क करके हम ये गोलाई दे देंगे आर्मोर की। और फैब्रिक मैंने पूरा ही जितना मुझे चाहिए था बस के लिए उतना ही लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। वेस्ट पे मैं 34 इंचेस के हिसाब से मार्क कर रही हूँ, और इसको सीधी लाइन से मिला लेंगे। अब हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। इसके लिए नेक विड्थ मैंने 4 इंचेस लिए हैं, और नेक डेप्थ मैं 3.5 इंचेस पे मार्क करूँगी। ये मैं बोट नेक बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने नेक डेप्थ छोटा रखा है। और इस तरीके से मार्किंग करके हम राउंड शेप दे देंगे, और अब अकॉर्डिंग टू द मार्किंग्स कटिंग कर लेंगे। शोल्डर पे ये कट ज़रूर से दें, उससे शेप अच्छी आती है शोल्डर की। तो देखिए इस तरीके से हमारी कटिंग हो गई है, और ये मैं सेंटर मार्क नॉच दे रही हूँ। अब हम एक पीस को सेपरेट कर लेंगे। इस वाले पीस में हम डीपर नेक की मार्किंग करेंगे। ये मेरी ये फ्रंट पे होगी, ऑब्वियसली दो साइड से पहन रहे इसको तो फ्रंट और बैक दोनों की ही होगी। तो देखिए लेंथ जितनी भी है मेरी उससे मैंने 5 इंच ऊपर की तरफ ये मार्किंग की है, और नेक जो विड्थ मैंने ली थी जो कि है 4.5 इंचेस। अब ऊपर से नीचे की तरफ देखिए 11 इंच पे मैंने ये मार्क किया है, मैं 5 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा डीप अंदर की तरफ करके मार्किंग करूँगी और वैसे ही कट करूँगी। तो इस तरीके से मैं सारे मार्क्स को मिला लूँगी, और यहाँ पे नीचे मैं राउंड शेप दे दूँगी। राउंड शेप देने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। इसको सेंटर से भी सेपरेट करना है, तो सेंटर से भी कट कर लेंगे। यहाँ पे हम हुक एंड आई लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे सेपरेट रहेगा ये। तो इस तरीके से मैंने अलग कर लिया है, बैक भी कटिंग कर ली है। अब हम इन तीनों के हिसाब से इसकी लाइनिंग की कटिंग भी कर लेंगे। तो ये देखिए लाइनिंग के ऊपर मैंने इस तरीके से प्लेस कर लिया। लाइनिंग को मैंने डबल लेयर में रखा है, और बैक की कटिंग करने के बाद हम फ्रंट की भी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रंट भी मैंने कट कर लिया है। अब हम बैक की लाइनिंग को इस तरीके से फैलाया है, और लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों के राइट पार्ट को अंदर की तरफ रखते हुए मैंने ऐसे प्लेस किया है। और अब मैं आर्म होल एंड नेक राउंड और नीचे की तरफ जो हमारा बॉटम है उसको स्टिच कर लेंगे 1 सेंटीमीटर मार्जिन छोड़ के। और ध्यान रखेंगे साइड सीम पे हमें स्टिचेस नहीं डालने हैं, सेम ऐसे ही हमें फ्रंट पे भी करना है। आर्म होल राउंड पे स्टिचेस डालने हैं, नेक राउंड पे स्टिचेस डालने हैं, और बॉटम एरिया पे स्टिचेस डालने हैं, और साथ ही जहाँ पे हम हुक एंड आई के लिए हमने जगह छोड़ी है उस एरिया पे भी स्टिचेस डालने हैं, लीविंग द साइड सीम। साइड सीम पे हमें स्टिचेस नहीं डालने, वो ओपन रहेगा। मैंने स्टिचेस डाल लिए हैं, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। और कट करने के बाद इस पे स्मॉल स्मॉल कट्स दे देंगे। ये कट्स देने से फैब्रिक जो है अच्छे से फोल्ड हो जाता है।
और आर्म होल एरिया पे भी ऐसे ही इस तरीके से स्मॉल स्मॉल कट्स दे देंगे हम लोग, जितने भी राउंड एरियाज है कर्ड शेप है जहाँ पे भी वहाँ पे हम लोग इस तरीके से स्मॉल कट दे देंगे। जिस तरीके से हम बैक में दे रहे हैं वैसे ही फ्रंट पे भी आर्म होल एरिया पे स्मॉल कट्स दे देंगे ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी हो। ये देखिए ऐसे कट देने के बाद हम इसको सीधी तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने फोल्ड कर लिया और इसी तरीके से मैंने फ्रंट को भी कर लिया है। दोनों फ्रंट को हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे और अब इसकी आयरनिंग कर लेंगे। आयरनिंग अच्छे से करनी है ताकि नीचे का जो लाइनिंग है वो बाहर की तरफ ना दिखे। तो पहले इसकी आयरनिंग कर लेते हैं। ये देखिए आयरनिंग मैंने कर ली है और ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब बैक को वापस से उल्टे की तरफ फोल्ड करना है। ये देखिए उल्टे की तरफ फोल्ड कर लिया मैंने और साइड सीम क्योंकि मैंने स्टिच नहीं किया तो वो एरियाज ओपन है। अब हम फ्रंट के एक पैनल को लेंगे और फ्रंट पैनल को सीधा ही रखना है और जो ओपन साइड हमने छोड़ा है साइड सीम के पास उसकी तरफ से हम फ्रंट का जो शोल्डर है वो अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे और बैक के शोल्डर के अंदर इंसर्ट करने के बाद उसको इस तरीके से प्लेस करना है ताकि फ्रंट का जो मेन फैब्रिक है वो बैक के मेन फैब्रिक के सामने हो और जो लाइनिंग है फ्रंट और बैक की वो दोनों एक दूसरे के साथ हो। इस तरीके से अंदर डालने की तरह बाद हम इस पर पिनअप कर देंगे। दूसरी साइड भी ऐसे ही करेंगे। देखिए फ्रंट को मैंने सीधा रखा है, इसको ओपन एरिया से अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे इस तरीके से और उसके बाद पिनअप कर लेंगे। लाइनिंग एरिया लाइनिंग पार्ट लाइनिंग की तरफ ही होगा और फ्रंट का जो मेन फैब्रिक है वो बैक के मेन फैब्रिक की तरफ ही होगा। और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अंदर इंसर्ट करने के बाद हम लोग स्टिचेस डाल देंगे। स्टिचेस डाल दिए मैंने, अब हम इसको सीधा पलट लेंगे। तो इजली ये बाहर निकल आएगा, इस तरीके से इसको सीधा कर लेना है। ये देखिए ये देखिए इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। देखिए ऊपर से और नीचे से भी कोई भी रॉ एजेस बाहर नहीं दिखते, इस तरीके से ये फिनिशिंग के साथ हो जाता है। अब हम मैंने ये 5 इंचेस लॉन्ग और 3 इंचेस वाइड फैब्रिक लिया, इसको इस तरीके से फोल्ड करके हम लेफ्ट साइड जो फ्रंट का लेफ्ट साइड है उस साइड पे अटैच कर लेंगे जिस तरीके से दिखाया गया। इसे पिनअप कर लें, उसके बाद इसको स्टिचेस डाल दें इसके ऊपर। इसके ऊपर हम आई लगाएंगे, हुक की आई लगाएंगे और दूसरे वाले साइड पे ऐसे ही फैब्रिक अटैच करना है और उसके ऊपर हम हुक लगाएंगे। तो इस तरीके से हुक एंड आई हमारा रेडी हो जाएगा। तो इधर जैसे अटैच किया हमने उसी तरीके से दूसरे साइड पे भी कर लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों साइड कर लिया और मैंने आई भी कर लिया है और हुक भी लगा लिया है। इस तरीके से हुक को लगाने के बाद हम इसको प्लेस करेंगे अच्छे से और साइड पे एक स्टिच दे देंगे ऊपर की तरफ से ही, सीधी तरफ से ही एक स्टिच दे देंगे ताकि जो रॉ एजेस इसके बाहर आ रहे हैं वो ना आए। और उल्टी तरफ सिलने के बाद इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ऊपर की तरफ सिल लिया है और इसके बाद इसको उल्टा करके अपने मेजरमेंट के हिसाब से इसके ऊपर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इसको स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने मार्क कर लिया है और ये है इसका फाइनल लुक। ये बैक है जिसको फ्रंट पे भी पहन सकते हैं और ये फ्रंट है जिसको बैक पे भी पहन सकते हैं। तो इस तरीके का ये दिखता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो कमेंट करें और थैंक यू। Take care. Bye-bye.